राधे राधे मित्रों, आप सभी को पंडिताइन छवि शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। घर में लगाई जाने वाली तस्वीरों को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि किस तरह की तस्वीरें घर की कौन सी दीवार पर लगाई जाएं। तो आइए जानते हैं इसी से संबंधित कुछ वास्तु नियम। सबसे पहले जान लेते हैं पितरों की तस्वीरें कहाँ लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितरों का स्थान साउथ वेस्ट जोन में माना गया है, इसलिए सबसे अच्छा होगा कि आप अपने एंसेस्टर्स की फोटोग्राफ्स अपने घर के साउथ वेस्ट जोन में सदर्न वॉल पर लगाएं। यानी आप अपने घर के दक्षिण पश्चिमी भाग में दक्षिणी दीवार पर अपने पितरों की तस्वीर को, अपने एंसेस्टर्स की पिक्चर्स को लगाएं, तो आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद पॉजिटिवली आपके लिए हमेशा बना रहेगा। अब वह तस्वीरें जो हम धीरे धीरे जमा करते हैं, यानी हमारी अपनी यादें। हम कहीं जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, या किसी ओकेजन पर फोटो क्लिक करते हैं और उसका कोलाज बनाते हैं फैमिली पिक्चर्स का। ऐसी पिक्चर्स को हमेशा ईस्ट या वेस्ट दो ही दीवारों पर लगाएं। ध्यान रहे, आप अपनी फैमिली पिक्चर्स को या तो पूर्वी दीवार पर लगाएं या पश्चिमी दीवार पर। इन तस्वीरों को भूलकर भी दक्षिणी दीवार पर या उत्तरी दीवार पर न लगाएं। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो बाहर जाने को तत्पर है, जिसने अपने लिए वीज़ा लगाया हुआ है और वो देश से बाहर जाना चाहता है, या फिर कोई पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहता है, कोई नौकरी के लिए बाहर जाना चाहता है, कोई ट्रांसफ़र चाहता है, और सबसे ज़रूरी शादी के योग्य कन्या, इन सभी के लिए वास्तु में एक खास नियम है। इन्हें अपना एक फोटोग्राफ घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने इस तरह लगाना चाहिए कि जब भी कभी कोई घर में प्रवेश करे तो घर में एंटर करने वाले की निगाह सबसे पहले इनकी तस्वीर पर ही पड़े। अगर आप अपने प्रोफेशन या अपनी शिक्षा से संबंधित कुछ तस्वीरें दीवार पर लगाना चाहते हैं तो उन्हें अपने घर की वेस्ट जोन में वेस्टर्न वॉल पर ही लगाएं। यानी अपने घर के पश्चिमी भाग में पश्चिमी दीवार पर ही उन तस्वीरों को स्थान दें जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। इस तरह ये आपके प्रोफेशन में बूस्टर का काम करेंगे। और हाँ, एक बात का ख्याल हमेशा रखें, रोती बिलखती और डरावनी तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जो उदासी से भरी हों, उन्हें घर में न रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमसे जुड़े रहें। कुछ नई टिप्स लेकर आपकी पंडिताइन छवि शर्मा कल फिर उपस्थित होगी। तब तक आज के आनंद की जय।